压线。为什么？Come on, Bobby, come go together. Out! 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 गेम कर रहे मीटिंग में पहले मीटिंग में कहा है किसी को घबराने की डरने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है। प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटने के लिए हम सब लोग मिल करके इस समस्या का समाधान करेंगे और पूरी की पूरी जो भी उनको सहायता चाहिए वो सहायता हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों से केवल इतना अनुरोध है कि आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार मित्र हैं, आपकी लेखनी के द्वारा लिखा हुआ एक एक वाक्य शब्द जनता जनार्दन उसको मंत्र के रूप में लेती है और आप लोग जो अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बोलते हैं उस पर हर कोई भरोसा करता है, तो मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि सकारात्मक भाव से इन संदेशों से कि घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपदा आई है दो तीन चार दिन में चीज़ें सामान्य हो जाएगी, हम सब लोग मिलकर के इस काम को पूरा करेंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए जितनी भी फसल नष्ट हुई मैंने कहा कि जैसे ही पानी घटेगा उसका आकलन करेंगे और आकलन करके सभी किसानों का उसका मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराएंगे। मंत्री, हर साल बाढ़ आती है और जो बाढ़ पीड़ित होते हैं उनको या सरकार सामान भी मुहैया कराती है, लेकिन कुछ वहाँ पे नेता नगरी भी होती है जिनके कारण उन लोगों को जो जिनसे मिलने वाले होता है जिनको मिलने वाला है वो नहीं मिल पाता है, अदर लोग ले जाते हैं। देखिए मित्रों, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाढ़ के क्षेत्र में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से बहुत अद्भुत काम हुआ है और आप सब ने बहुत दिनों से बाराबंकी को देखा होगा, लेकिन जो पैसा मार्च अप्रैल में मिलता था वो जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मानसून से पहले काम को हम लोगों ने पूरा किया। राहत किट, जिसको राहत सामग्री आप कहते हो, जरा एक बार देखिए कि वो किट कितना अच्छा बनाया गया, उसमें कितना सामान है और कितना व्यवस्थित ढंग से वितरण किया जा रहा। एक किट नहीं, दो दो किट दिया जा रहा। एक में चावल है, आटा है, दाल है, मसाला है, नमक है, सारी चीज़, चाय की पत्ती है और दूसरे में लहिया, चना, नमकीन और बिस्किट है। दो दो राहत किट के पैकेट जो एक आदमी से उठाए नहीं उठता है, अलग से 10 किलो आलू है, यानी सब कुछ इतना व्यवस्थित ढंग से किया गया है। मैं समझता हूँ कि मोदी और योगी युग में बिचौलिए नहीं आ सकते हैं, जिसको जो मिलना चाहिए उसके तक वो पहुँचेगा। हमारे विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण यहाँ बैठे हैं, संगठन बैठा, सरकार बैठी, हमारे जिलाधिकारी बहुत एक्टिव हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए, जो जिसका अधिकार है उसको मिलेगा और निश्चित रूप से सभी राहत सामग्री उन लोगों के पास तक पहुँचेगी जिसको उसको मिलना चाहिए। मंत्री जी, आप क्या कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, नदियों की जोड़ने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया कहा था और उसको नरेंद्र भाई मोदी ने पूरा किया। हम लोगों ने केन बेतवा को जोड़ने जा रहे हैं, भारत की पहली नदी परियोजना है जिसको हम जोड़ने के लिए जा रहे हैं और उस पर समझौता हो चुका है, एक दो महीने के अंदर उसका शुभारंभ करेंगे। तो नदियों को जोड़ने की व्यवस्था और नदियों का पानी का समुचित उपयोग, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से ज़्यादा अच्छा काम हम समझते हैं कि भारत ने दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। उनका विजन देखिए कि उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और सभी पानी के चीज़ों को एक साथ जोड़ करके पानी का समुचित उपयोग हो। अटल भूजल योजना के तहत उन्होंने जल का संवर्धन किया, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुँचाने की व्यवस्था की, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री खेत सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी देने की बात कही, तो जल का संचयन, जल का संवर्धन और शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुंचाना हर तरीके से व्यवस्थित काम चल रहा है और आगे आने वाले समय में और अच्छा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो प्राकृतिक आपदा आई है, जल प्लावन हुआ है, उत्तराखंड और नैनीताल में जिस तरीके से अतिवृष्टि हुई है और बादल फटे हैं जिसके कारण से बहुत तेज़ी के साथ पानी उत्तर प्रदेश में आया है, बनबसा बैराज से 5,47,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया और नेपाल की तरफ से घाघरा के अंदर 4,91,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण से हमारे बहुत सारे ज़िले उत्तर प्रदेश के प्रभावित हुए हैं। हमारा पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच और हमारा बाराबंकी, मैंने कल पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर और बहराइच करते हुए आज बाराबंकी पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से बाराबंकी के हमारे 59 ग्राम पंचायतें इससे प्रभावित हुई हैं, 69 हुई हैं ना, 69 ग्राम पंचायतें इससे प्रभावित हुई हैं, लगभग 26,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन को हम बधाई देना चाहेंगे कि सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है और उस काम के कारण से कोई भी जनहानि बाराबंकी में नहीं हुई है। जिन गांव में पानी गया है उसके लिए हम लोगों ने आज एक यहां पर योजना रचना बनाई है, सभी लोगों तक भोजन का पैकेट पहुंचे, राहत किट का उचित वितरण हो, दवाइयों की किट लोगों के घर तक पहुंचाई जाए, लोगों के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था हो, जहां पर बंधे पर लोग लग रहे हैं वहां पर टैंकर लगा के व्यवस्था होगी और जो घरों में लोग हैं उनको 5 लीटर और 10 लीटर के गैलन का पानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। और हर गाँव पंचायत के लिए हम लोगों ने नोडल अधिकारी तय किए हैं जो प्रत्येक गांव की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए वहां की पूरी योजना रचना को बनाएंगे। हमारे बीडीओगण अपने ब्लॉक पर भोजनालय चलाएंगे और बगल की पंचायत में भी भोजन बनेगा और उसके माध्यम से भोजन का पैकेट वहां पर पहुंचेगा, राहत किट का वितरण किया जाएगा, जिनके मकान गिर गए हैं उनके मकान का मुआवजा मिलेगा और जो फसल नष्ट हो गई है उसका आकलन करके उन किसान भाइयों के लिए उसका भी मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। किसी की अगर पशु हानि हुई है, किसी प्रकार की कोई क्षति हुई है तो उसको तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे बाराबंकी के अंदर NDRF, SDRF और PSC के जो टीम लगी है, 108 नावें लगाई गई हैं, 6,335 पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, 4,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रशासन काम कर रहा है, तेज़ी के साथ पानी भी घट रहा है, लगता है 2-3 दिन के अंदर पानी घट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं सबको हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसी के लिए आज मैं यहाँ पर आया था, मैंने हवाई सर्वेक्षण करके नीचे की पोजीशन को भी देखा है, निश्चित रूप से 7 लाख का डिस्चार्ज जो हुआ है, पानी बहुत अधिक मात्रा में आया है आपदा के तहत, और बाकी किसी आपदा के तहत अगर कोई कहीं पर नुकसान होता है तो उसका आकलन अगर जिला प्रशासन करता है तो निश्चित रूप से उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो अभी तो हम लोग बाढ़ के जो हमारे गांव प्रभावित हुए हैं वहां की चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, इसके अलावा अगर कहीं का कोई विषय आएगा तो उसको देखा जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। 1971 और 72 में सरयू नहर परियोजना प्रारंभ हुई थी, 9 जिला गोंडा, बलरामपुर, बहराई, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर की परियोजना थी और उस परियोजना को मुझको बताते हुए खुशी हो रही कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया है। इसी महीने में नवंबर महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस परियोजना को जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। 15 लाख हेक्टेयर जमीन आज़ाद भारत की सबसे बड़ी परियोजना जो हम जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे और 15.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे, ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है जिसको हम पूरा करके समर्पित करने जा रहे हैं।